रोमी, आहिल के बगैर वो ज्यादा देर रह नहीं पाएगी। मजबूर होकर वो मुझसे जल्द रابطہ करेगी, मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि उसके और सारिम के बीच में कुछ नहीं, और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगी। कैसा फायदा? शर्त, शर्त रखूंगी, रूमी को इज्जत के साथ इस घर ले आऊंगी अगर वो सारिम को मुझसे शादी के लिए राजी कर ले तो। सहरेश, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि सारिम भाई तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएंगे? हाँ तो जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, और अपनी बेइज्जती का घर सभी तुम्हें उतरवाना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, सारिम से शादी मैं करके रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बात रूमी तक तुम पहुंचाओ, वो तुम्हारी बात पे यकीन करेगी। मैं तुम्हारे इसमें कैसे मदद करूं? मैं कुछ नहीं चाहती रिशा, मेरी दोस्ती का सबूत दो, मैसेज करो, कांटेक्ट करो, जो मर्जी करना करो, लेकिन करके दिखाओ मुझे। मुझे उम्मीद है जब रूमी को आयल की कस्टडी मिल जाएगी तो हो सकता है उसका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। अगर सारे रूमी की जिंदगी में हादसे पे हादसा होता जा रहा है, ऐसे में फौरन से किसी पे यकीन कर लेना उसके लिए आसान नहीं है। You're right. मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत रूमी के लिए बेलॉस है, बेगर्ज है। अल्लाह ताला आगे भी कोई सबब बना देगा। एक दफा आहिल की कस्टडी रूमी को मिल जाए तो मेंटली तौर पे वो ठीक हो जाएगी। I really hope so. I hope ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। वैसे भी सब मामला आंटी अंकल ने अपने हाथ में ले लिया है, तो कोई अच्छा डिसीजन ही करेंगे ना। तुमसे सहरिश ने कोई रابطہ किया? नहीं, कोई रابطہ नहीं किया, और अगर करेगी भी तो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है उसने अरिशा से क्या कहा है? क्या? उसने कहा है कि अगर सारे मुझसे शादी करेगा तो वो रूमी को घर वापस ले आएगी। क्या? वाओ, कोई इतना कैसे गिर सकता है वैसे? I don't know. Really sad.